राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कई सालों से चले आ रहे संघर्ष में आम राजस्थानी तो शामिल है ही, फिल्मकार भी अपनी फिल्मों के माध्यम से समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब राजस्थानी फिल्मकार, गायक, डांसर व फिल्मों में काम कर चुकी जानी मानी हस्तियाँ भी इसमें आगे आई हैं। और मेरी आने वाली फिल्म मारो घर मारो मंदिर, मुझे राजस्थान का पहरावा, राजस्थान का खान पान, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। तो राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिलती? चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर एकजुट होकर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाएं। तो इसकी शुरुआत आज से ही करते हैं, तो सब लोग एक साथ हो जाएं। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, खम्मा गली। जोधपुर के रोमियो राठौर ने इस विषय को उठाया है, वे इस पर महारी माइड बोली नाम से फिल्म भी बना रहे हैं। विजया राजस्थानी मुंबई निवासी राजस्थानी फिल्मों में सबसे ज्यादा गाने वाली गायिका व अदाकारा हैं। राजस्थानी रंगमंच और फिल्मों से जुड़ी हुई राजस्थानी भाषा बहुत ही मीठी, प्यारी, मधुर है और सम्मान भरी है। मरुधरा की भाषा ने मान्यता मिले ये वास्ते मैं आप सह लोगों से गुजारिश करूंगा। क्षितिज कुमार 1980 से फिल्में कर रहे हैं। उदयपुर की बाल कलाकार विप्रा मेहता सपेरन सीरियल में 50 एपिसोड तक कर चुकी हैं। साथ ही वह कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा कई फिल्मकार राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरे सभी राज्यों में उनकी भाषा को मान्यता मिली हुई है। इन्होंने सुतापर बींदनी, राधु की लक्ष्मी में पावरफुल रोल किए हैं। दोस्तों, हम राजस्थानी लोग बहुत शांति प्रिय हैं। हम बसें नहीं जला सकते, पत्थर नहीं फेंक सकते, रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, रेलवे नहीं रोक सकते, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन सरकारों की आदत हो गई है, जब तक आप हंगामा नहीं करो, आग नहीं लगाओ, इनके कान पर जू नहीं रहे। 10 करोड़ राजस्थानियों में से कम 1 करोड़ के पास मोबाइल होंगे। कल्पना करिए, अगर 1 करोड़ 2-2 मिनट का वीडियो बनाकर राजस्थानी भाषा के समर्थन में अपना समर्थन देता है तो क्या सरकार तक बात नहीं पहुंचेगी? ना हमको बसें जलानी है, ना कुछ और करना है, शांति से साइबर पर अटैक करिए, राजस्थानी भाषा को मान्यता दीजिए।